ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक आज राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जाणिनवा आज दिन संपर्क। आज हूँ 8 जुलाई, जुलाई मासर 8 तारीख शनिवार 2023 मसीहा ओडिया रे श्रावण मास कृष्ण पक्ष सौरमान मिथुन 24 दिन। दर्शक बंधु आसतु जाणिबा आज दिन तिथि नक्षत्र दिन संपूर्ण पंचांग संपर्क। आज हूँ षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि सूर्योदय पर ठारु रात्र 10 घंटा 18 मिनिट पर्यंत रहुचंती। रात्र 10 घंटा 18 मिनिट पर ठारु सप्तमी तिथि प्रवेश। आज दिन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सूर्योदय पर ठारु रात्र 9 घंटा 38 मिनिट पर्यंत रहिबे। राति 9 घंटा 38 मिनिट पर उत्तर भाद्र नक्षत्र भोग हेबे। आज कुंभ राशि चंद्रमा सूर्योदय पर ठारु अपराह्न 4 घंटा 1 मिनिट पर्यंत रहिबे। अपराह्न 4 घंटा 1 मिनिट पर चंद्रमा कुंभ राशि को परित्याग करी मीन राशि को चलन हेबे। दर्शक बंधु आज घात चंद्र राशि संपर्क जानिबा। आज अपराह्न 4 घंटा 1 मिनिट पर धनु राशि घात चंद्र एवं सूर्योदय पर ठारु आपणकर सूर्योदय पर ठारु अपराह्न 4 घंटा पर्यंत मीन एवं मिथुन राशि घात चंद्र। तेणुक मीन राशि एवं मिथुन राशि व्यक्ति विशेष अपराह्न 4टा पर्यंत सतर्क रुहतु एवं अपराह्न 4 घंटा 1 मिनिट पर धनु राशि व्यक्ति विशेष घात चंद्र थिबारु धनु राशि व्यक्ति विशेष अपराह्न 4 घंटा 1 मिनिट पर जगि रखी चलतु। अन्य को अर्थराशि प्रदान करंतु नाही। जानवाहन गति समय चालना समय सतर्क रुहतु एवं स्वास्थ्य विशेष कर जत्न नियंतु। यही तीन गोटी राशि स्वास्थ्य हेतु को बाधा मध्य देखा दे पारे। दर्शक बंधु आसतु एवं जानवा आज निषिद्ध खाद्य संपर्क। आज कौन खाइबा मना आपण मैंने आज दिन में षष्ठी तिथि होतु निंब को खातु ना निंब कि कलरा जितिय पिता द्रव्य को खातु ना एवं रात्र 10 घंटा 18 मिनिट पर ताल किंबा ताल प्रस्तुत होता कौन पिठा को खातु ना। एवं आसतु जानवा आमर परवर्ती विभाग आपणकर समस्या एवं यार समाधान संपर्क। दर्शक बंधु समस्या समाधान आम जानवा एक गुरुत्वर विषय। अनेक समय देखा दिए विवाहित महिला बा विवाहित दंपति स्वामी स्त्री सी चाहती पाखे एक सुंदर संतानटी जात हो गोटे सुंदर सतानर बा पुत्र बा कन्यार पितामाता हवापी अनेक व्यक्ति विशेष चाहती। किंतु विवाह अनेक वर्ष बीती जाइले से माने पितृत्व मातृत्व लाभ करिवारु से माने वंचित होंती। काहेकि किसी व्यक्ति सहित यह घटना घटे जद्यपि विवाहर 2 वर्ष 5 वर्ष मध्यरे अनेक विवाहित तो पुरुष एवं नारी संतान सुख पाई किंतु हाथ गणती केतेक लोक बा केतेक व्यक्ति विशेष भाग्य काहेकि संतान हेतु को माने सुख न थाए काहेकि माने संतान कष्ट कष्टी होइथांती। जातक रे यार कारण कौन एवं आमे जातक को जदि तर्जमा करिबा जातक को जदि अवलोकन करिबा आमे जानू आमर जन्मकुंडली दे बा आमर जन्म जातक रे लग्नर पंचम भाव हूँ संतानर भाव। प्रत्येक व्यक्ति को पाई पुरुष महिला उभयों पर लग्न जोड़ा 1 नंबर घर जातक रे तार पंचम स्थानटी हूँ संतानर स्थान। पंचमाधिपति बा पंचम घर जी मालिक पंचम राशि जी मालिक पंचम गृह जी मालिक सी होती संतान अधिपति बा पंचमाधिपति। से भाव में एकादश स्थान संतान विचार करा जाए। आपण कहे आप कहले पंचम पुणी एकादश एकादश स्थान ज्येष्ठ संतान बा प्रथम गर्भ विषय विचार करा जाए एवं पंचम स्थान बाकी संतान मान विषय चिंता करा जाए। तेब प्रमुख स्थान हूँ पंचम स्थान किंतु प्रथम गर्भ को आम एकादश विचार करवा जहाँ दुईटी तीनोटी पिला अच्छा प्रथम आम एकादश देखा द्वितीय पंचम देखा तृतीय पंचम तृतीय अर्थात सप्तम को मध्य विचार को नवा। तेणु जन्म जातक पंचम स्थान जदि अशुभ ग्रह रही जाती संतान स्थान जदि अशुभ ग्रह रही जाती
जन्मजातक जदि पंचमाधिपति नीच किंबा पापग्रह सहित युक्त किंबा पापग्रह दृष्टि थाए ताले विवाह पश्चात विवाह परे दीर्घ वर्ष बीतीगले जड़े पुरुष बा नारी बा विवाहित दंपति संतान सुखर वंचित होती आउ केत देखा जाए केत क्षेत्र में संतान माने विवाह दुई वर्ष पर सहधर्मिणी बा स्त्री कनसीव करती किंतु दुखर विषय कनसीव कंटिन्यू करि पारे नाही दुई मास तीन मास रे संतान मिसकैरेज हो जाए नष्ट हो जाए बा केहि केहि संतान जन्म करिया परे देखंती संतान पुत्र बा कन्या जे जन्मित से मृत मृत संतान जन्म होती या ठारु दुखर कथा या ठारु कष्टर कथा बोध हुए गोटे माँ पाई बा गोटे पिता पाई किछि नाही जे संतानटी नष्ट होइगला गर्भरे बा संतान जन्म होइ संतानर मृतवस्था जन्म है मृत संतान जन्म है संतान जो मान जन्म होती जो माने संतान प्राप्त वयस्क पूर्वर अर्थात निर्धारित वयस सीमा पूर्व संतान कहारी कहारी पांच वर्ष सात वर्ष एगार वर्ष एवं भेंडा पुओ मध्य जन जन देखिए दुर्घटना चली जाती कि गोटे रोगाग्रस्त हो पड़ा दुख पितामाता दुखी पितामाता संसार कहीं संतान हो संतान को मनीष कर दौली सही भेंडा पिलाटी बा युवक अवस्था पिलाटी चलीगला युवावस्था ताठार कष्ट आहुरी कष्ट संतान न होबा जति कष्ट संतान हेकिरी युवावस्था संतान को हरैबा ताठार शहे गुणा कष्ट तबे ए कष्ट गुड़िक हुए काहेकि बा केउ ग्रह कारण प्रथमे हम विचार करिबा मृत संतान होबा बा संतान मिसकेरेज होबार केउ ग्रह दायी प्रथमतः जदि राहु शनि यांको विचार को नेबा ए ग्रह माने मुख्यतः संतान प्राप्ति रे प्रतिबंधक होती मृतवस्था जात होवारे मध्य समस्या सृष्टि करती मंगल मध्य भौम मध्य शास्त्रे कहा जाए पंचमे एकादशे भौमे पंचमे एकादशे राहु पंचमे एकादशे केतु संतानम प्रतिबंधकम जदि पंचम एकादश स्थान रे सौरी अर्थात शनि बसीगले भौम अर्थ मंगल बसीगले राहु राहु बसीगले केतु केतु बसीगले चारिटा ग्रह मध्यरु जेकोणसी ग्रह जदि पंच पंचम एकादश भौम पंचम एकादश सौरी पंचम एकादश राहु पंचम एकादश केतु संतानम प्रतिबंधकम जदि आपण जन्म जातक पंचम राहु रही पंचम शनि रही पंचम मंगल रही पंचम केतु रही सामान कथा एकादश घटी एकादश ये ग्रह मान अच्छे संतान प्रतिबंधक सृष्टि हेब प्रतिबंधक अर्थ कौन संतान हेब ना ता नुह हो पारे किंतु न होबाटा अनेक समय 50% होबाटा 50% आपण कह 50-50 आपण कौन कहते 50-50 कहार अर्थ बेले अनेक समय संतान होकर नष्ट हो जाती बेले बेले अति विलंबित समय संतान हमें जो आप लेट्रे आप देखिए बहार पांच वर्ष पर संतान होती सात वर्ष पर होती आठ वर्ष पर होती केवल भगवान कृपा आपण कृपा पितामाता कृपा इतिपाई आप पितृत्व मातृत्व लाभ करपान विलंब हो कारण जो संतान आपन तीन वर्ष पांच वर्ष मध्य समस्त चाहूल कि आपन इच्छा करते पुरुष नारी हिसाब से स्वामी स्त्री हिसाब से किंतु सी सात वर्ष पर पिलाटी है दस वर्ष पर है विलंबर है किंबा आपणकर संतान है किंतु आप प्रथम गर्भ नष्ट आपणकर प्रथम संचार गर्भ संचार नष्ट मिसकैरेज है आपणकर किसी ना कि बाधा विघ्न देखा दे था से संतान कारक ग्रह होती बृहस्पति जदि जातक बृहस्पति नीच हो जाती अस्त हो जाती राहुजुक्त हो जाती शनि दृष्टि था पंचमाधिपति खाली बृहस्पति राहु केतु शनि युक्त हो गले संतान हम ना नीच हो गले हम ना ता भी नुह क्या बहुत लोक व्यक्ति जातक बृहस्पति राहु एकाठी अच्छा बृहस्पति केतु एकाठी अच्छा मकर राशि बृहस्पति नीच बहुत लोग बृहस्पति नीच अच्छा पापग्रह दृष्टि अच्छा से संतान अच्छी तेणु जदि बृहस्पति युड़क होता है जेहेतु संतान कारक ग्रह एवं संतान अधिपति एवं मुख्य हूँ संतान अधिपति पंचमाधिपति सी जातक षष्ठ अष्टम द्वादश थाए सी पापग्रह द्वारा दृष्टिप्राप्त होता है सी जन्म जातक पापकर्तरी जगह पीड़ित होता है ताल संतान समस्या देखा दिए संतान प्राप्ति में बाधा उपजे तेरे एवं आम जाना कौन प्रतिकार कर गोटे साधारण हिसाब से आम कौन प्रतिकार कर देखो संतान इष्ट देवता होती भगवान संतान गोपाल गुरुंडी गोपाल आंठुआ गोपाल आम सर्वप्रथमे जदि पिलापिली संतान प्राप्ति में विलंब है मुझ समस्त को कही रखी जो मानक ये समस्या देखा दूसरी बहुत से
ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳଙ୍କ ବା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ଘରେ, ବା ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର, ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ମଲ୍ଲୀ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା, ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଭଗବାନ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଓମ୍ ଦେବକୀ ସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ଜଗତପତେ ଦେହି ମେ ତନୟମ୍ କୃଷ୍ଣ ତ୍ୱାମହମ୍ ଶରଣାଙ୍ଗତ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କଟିକୁ ଆପଣ 108 ତୁଳସୀ ମାଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ଉଭୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହି ଜପ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ମଠୁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଳପୁରୋହିତ ବା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅତି ଶୁଭ ହେବ, ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରାଇ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ କାରଣରୁ ସନ୍ତାନ ବାଧା ହେଉଛି, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ, କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ବାଧା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଜଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ପ୍ରତିକାର ଏ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କାରଣକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ନିରାକରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି, ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। କର୍ମର ଚାପକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିମ୍ବା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଭୂମିଗତ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଦିନଟିର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ 9 ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ଦିନଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବାକ୍ପିତଣ୍ଡା ଦେଖାଦେବ, ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନଟିରେ ଧନ, ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ନୀଳ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରେଇଯିବ, କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ବକେୟା ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ, ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବା ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରିବ। ଦିନଟିରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ବିତିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ବା ମନର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ, କର୍ମ ବହୁ କରିବେ, ବହୁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କର୍ମଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିରାଶ ହେବେ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ବା ତର୍କ ଦେଖାଦେବ, ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବା ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ଡାଳ ବା ଛୋଟ ବୃକ୍ଷର ଛୋଟିଆ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ଆଗମନ ଘଟିବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ 2 ରୋଜଗାର କରିବେ, ନିଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କାରଣରୁ ଖୁସି ହେବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ସହିତ ଆହାର ସହିତ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବାଦାମୀ, କମଳା କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
पारिवारिक समस्या, कर्म क्षेत्र निजुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तुला राशि, तुला राशि रे व्यक्ति को पाई दिनटी अनुकूल रहिछि। स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो। माँ को ठारु किछि अर्थराशि प्राप्ति करिवे। माँ को स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो। पिता पुत्र मध्य संपर्क उत्तम रहिबो। निज संतान को नहीं मध्य आपण खुशी हेबे बा संतान कार्यकलाप को नहीं गौरवान्वित हेबे। नूतन निजुक्ति मिलिबो। व्यवसाय रे व्यवसाय ने शुभ फल प्राप्ति करिवे। दिनटी शुभ फल प्राप्ति पाई धला सबुज नील रंगर वस्त्र परिधान करंतु। बिच्छा राशि, अन्य मानक सहित संपर्क रे किछिटा तिक्तता देखा दे पारे। पाख पड़ोसी सहित कलह उपजी पारे। कर्मर चाप जो आपण व्यतिव्यस्त हो पारंती। भल काम करी मध्य निंदा मिल पारे। जगी रखी चलंतु। व्यवसायी मानक पई व्यवसाय मध्यम रहिबो। पारिवारिक जीवन रे किछिटा समस्या थिबारु तार समाधान पई बा निराकरण पई आपण हनुमान को दर्शन करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करी दूर यात्रा करंतु। रिष्ट खंडित हेबो। धनु राशि, धनुराशि व्यक्ति विशेष आज अजथा भ्रमण करिवे। मिछटारे गुड़े खरा तर बुलिबे किछि लाभ हेबो नाही। कार्य विफल हेबो। कर्म क्षेत्र को नहीं चिंतित रहिबे। अन्य को अर्थ दियंतु नाही। निज लोक विश्वासघातता करिवे। जानवाहन गति समय रे सतर्कता अवलंबन करिवे। जानवाहन तो परिष्ट रही अछि। आदि दिन शुभ फल प्राप्ति पाई रिष्ट खंडित होबा पाई महादेव को दर्शन करंतु। भगवान शिव को दर्शन करी बा शिवलिंग रे किछि खीर लागी करी दूर यात्रा करंतु। मकर राशि, दिनटी आपण पाई अत्यंत शुभप्रद रहिछि। समस्त अभिष्ट को आज दिन सिद्धि करि पारिबे। पूर्वरु इच्छा अभिलाष को आज पूर्ण करिबे। अधूरा इच्छा को पूर्ण करिया पई दिनटी प्रकष्ट रहिछि। व्यवसायी माने व्यवसाय रे शुभ फल प्राप्ति करिबे। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। आज दिन रे धन अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति करिबे। आपण पई शुभ रंग बादामी सबुज नील ए रंगर वस्त्र परिधान करंतु। कुंभ राशि, कुंभ राशि रे व्यक्ति को पई दिनटी अत्यंत शुभप्रद रहिछि। जदि संतान हेतु किसी समस्या रही थाए तहार समाधान आज दिन हेबो। पिला आज दिन में उत्तम कर्म प्राप्ति करिवे बा संतान कर कर्म प्राप्ति विद्यार उन्नति आर्थिक स्थिति रे उन्नति बा विदेश यात्रा को नहीं आपण खुशी हेबे। आज दिन में स्वामी स्त्री मध्य थिबा विवाद दूरीभूत हेबो। पूर्वर कौन जमीजमा संक्रांत विवाद थिले पाख पड़ोसी सह कलह थिले पुराणा बंधु सहित मनमालिन्यता थिले ता दूरीभूत हेबो। दिनटी कौन शुभ संवाद शुणिबे। आज दिन अपराह्न समय रे किसी सुस्वादु भोजन बंधु बांधव व परिवार लोक सहित ग्रहण करिवे। आपण पई शुभ रंग सबुज नील बादामी ए रंगर वस्त्र परिधान करंतु। मीन राशि, स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चिंतित हेबे। थंडा कफ ज्वर इन्फेक्शन जनित बा भूताणु जनित संपर्क समस्या देखा दे पारे। पारिवारिक जीवन रे कलह लागि रहिबो। मानसिक अशांति देखा देबो। दिनटी विचलित मना हेबे। अन्य को साहाज्य करी असुविधा रे पड़िबे। खर्चांत हेबे। दिन भल जाउनथबारु जगी रखी चलंतु। शुभ फल प्राप्ति पई पॉकेट रे बा मनी पर्स रे खंड हलदी गोटे बा दुईटी रखी दूर यात्रा करंतु। जहाँ भी दिष्ट रही खंडन हेबो। दर्शक बंधु, जानिले मेष ठारु मीन पर्यंत द्वादश राशि राशिफल संपर्क रे। तबे हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण मध्य आपणकर संतान को नहीं अनुरूप भाव में चिंतित, संतान केउ लाइन रे जीव केबे चाकरी करिवो एवं विवाह जोग संतान केबे रहिछि ए समस्त कथा संतान को नहीं आपण जानिया पई चाहूचंती ताहले आपण व्यक्तिगत भाव में मो सहित जोगाजोग करि परिबे। स्क्रीन रे जो नंबर दिया जाउछि से नंबर आपण अपॉइंटमेंट नहीं मध्य आपण मो सहित साक्षात करि परिबे एवं डायरेक्ट सामना सामने आलोचना करि परिबे। किंबा जदि आपण चिट्ठी पत्र माध्यम रे
ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଠିକଣାରେ ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆମର ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଠିକଣା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।